यूपीआई लॉन्च्ड इन मॉरिशियस एंड श्रीलंका। यूपीआई लॉन्च्ड इन मॉरिशियस एंड श्रीलंका, ठीक है। तो CUT में जो करंट अफेयर्स आएगा या फिर CUT करंट अफेयर्स फॉर 2024 के हिसाब से, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि UPI किन दो कंट्रीज में अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। UPI करेंटली किन दो कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, तो वो हो गया एक मॉरिशियस और एक हो गया श्रीलंका। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये भी पूरे पेपर में पूछ सकते हैं कि सर UPI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। UPI का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI? तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी हम समझाते हैं सारी चीजें क्या होती है। अब UPI के थ्रू एक नई चीज आती है, वो क्या आता है, वो आता है QR कोड। क्या आता है? QR कोड। भैया जरा एक QR देना, सामान नहीं ले रहे भैया, QR देना पेमेंट करने के लिए, है ना भैया, QR देना पेमेंट करना है, भैया आपका QR कहाँ लगा हुआ है, लाइए पेमेंट कर देते हैं। तो QR तो हम लोग करते रहते हैं, पर ये कौन बताएगा कि QR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स है, तो हमें पता होने चाहिए कि QR का फुल फॉर्म क्या है। तो QR का फुल फॉर्म जो है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है ना। एक प्रोग्रामिंग की तरह एक कोड बना रहता है, उसके अंदर आपके बैंक के लिंक विंक सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप बार बार अपना लिंक विंक मतलब लिंक बार बार शेयर करो, अकाउंट नंबर शेयर करो, उससे अच्छा है कि आप सीधे सीधे उस फोटो को शेयर करो जिसके अंदर क्या है रिस्पॉन्स कोड है, वो कैमरा उसको पढ़ लेता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, और उसके बाद बैंक के डिटेल्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट का एक ऐप है जिसका नाम है भीम ऐप, गवर्नमेंट का एक ऐप है जिसका नाम है भीम ऐप। तो भीम का भी कुछ फुल फॉर्म है, तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। और ऐसे ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और कौन कौन से हैं, जैसे अभी तो पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, ठीक है, ये तीन मेन है, फ्री चार्ज है, कई सारे हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है उसको लेकर के पेमेंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये है हमारा। अच्छा, इंडिया में ये सब चीज़ें देखता कौन है जो बना रहा है, किसने भीम UPI बनाया, किसने UPI से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व किया, ठीक है ना। तो वो कौन सी कंपनी है, वो गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका नाम है NPCI। NPCI ने बनाया था भीम ऐप। NPCI क्या बनाया था, NPCI ने भीम ऐप। ठीक है, NPCI ने बनाया था भीम ऐप। और NPCI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी क्या है इंपॉर्टेंट। अब इस सेक्शन में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर आप इसमें देखो तो दो और चीजें हमारे पास, एक है मॉरिशियस और एक है श्रीलंका, ठीक है।
पेपर में अगर आप देखें तो कंट्री कैपिटल भी कई बार आपसे पूछता है, करेंसी कैपिटल भी कई बार आपसे पूछता है, ठीक है ना। करेंसी कंट्री, करेंसी कैपिटल, कैपिटल, ठीक है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका पेपर में। लास्ट ईयर मैच द कॉलम में आया था कंट्रीज और कैपिटल, इस बार हो सकता है जो करंट अफेयर्स जो CUT का है उसके अंदर आपके करंट अफेयर्स में कैपिटल और करेंसी पूछ दे, ठीक है, या फिर कंट्री और करेंसी पूछ दे, कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो हम दोनों चीज़ें चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो तीन चीज़ें हम देख सकते हैं, इंडिया है इसमें, मॉरिशियस है इसमें, और श्रीलंका है इसमें, ठीक है, इंडिया, मॉरिशियस एंड श्रीलंका। तो इंडिया की कैपिटल तो हमें पता है क्या है, न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन रुपी, ठीक है ना। इंडिया की करेंसी न्यू दिल्ली, और इंडियन की करेंसी क्या है, रुपी। मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और इसकी करेंसी है मॉरिशियन रुपी, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, करेंसी श्रीलंकन रुपी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही हम जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ेंगे उसमें जो भी कंट्री आएगी, ठीक है ना, हम उसकी करेंसी और उसके कैपिटल को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसी कंट्रीज जो बहुत ही लाइमलाइट में हो, जैसे अजरबैजान का पूछा जा सकता है, आर्मेनिया का पूछा सकता है, यूक्रेन, रशिया, तुर्की, ठीक है ना, इंडिया, मालदीव्स, इन सब के पूछे जा सकते हैं। तो हम जितनी भी कंट्रीज न्यूज़ में लगातार आ रही हैं उसमें अपने करंट अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट जोड़ेंगे, और करंट अफेयर्स से ही अपना स्टैटिक पार्ट भी हम बना लेंगे। चलो, तो आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगली न्यूज़ में बस आपको ये याद करना है, सिंधु, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, सिंधु गणपति, सिंधु गणपति अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन, ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है। सिंधु गणपति अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो TT होते हैं, जो आपके टिकट चेक करते हैं, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंधु गणपति अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब पेपर में मैंने आपको बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट है, और नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है जो ट्रांस वुमेन है या ट्रांसजेंडर्स हैं उन लोगों को लेकर के, कि पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं करने दिया जाता, सेम बर्थ में चलने नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट की स्कीम है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको फाइनेंशियली इंक्लूजन तो ना ही लाएं, साथ ही साथ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी रन होते हैं जिससे वो सोशली भी इंक्लूड हो, ठीक है। अब जैसे कि टिकट चेकर बन गए या टिकट एग्जामिनर बन गए, तो एक गवर्नमेंट की पोस्ट पे एक है कोई और जो रेलवे का चेक करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इससे मेन मुद्दा क्या है, इंक्लूजन और एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
तो गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे कानून भी बनाए हैं जहां पर किसी ट्रांस वुमेन या ट्रांसजेंडर को अगर वॉशरूम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने नहीं दिया जाता है और अगर वो कंप्लेन करती है तो उस पर्टिकुलर पब्लिक जो टॉयलेट है उसके जो वहां बैठा है उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में पेपर में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन, ठीक है ना, टिकट एग्जामिनर। तो कौन है? सिंधु गणपति। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो जनरली साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक आपका सोच चली आ रही है, एक ऐसा ट्रेडिशन टाइप का चलता चला आ रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड्स हैं मतलब जनरली लड़कों के लिए बनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट साथ ही साथ कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं इस मिथ बस्टर के लिए कि नहीं, ठीक है, कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी इंटेलेक्चुअली, ठीक है, अगर काम करना चाहता है, कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वो इसमें जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो सरकार फोकस करती है एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है स्टेम। गवर्नमेंट ने एक नाम दिया है स्टेम का, एस से। बहुत है मुश्किल गेस करना क्योंकि एस से क्या हो सकता है? साइंस। टी से और भी मुश्किल है, क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ई से इंजीनियरिंग और एम से हो गया आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो चार फील्ड हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी डे को हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम, जिसकी वजह से आपको कम से कम अवेयरनेस तो आएगा। आप देखो, जैसे आपका 365 दिन होता है पर एक दिन बर्थडे होता है तो वो कई सारे लोगों को शायद याद नहीं भी रहता, ऑब्वियसली कई लोगों को याद नहीं रहता पर कुछ लोगों को याद भी रहता है और उसको आप बार बार और मेमोरेबल बनाते हैं, ठीक है। कोशिश तो यही रहती है, हालांकि बनता हो नहीं बनता हो एक अलग बात है, पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सारे डेट्स मनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मनाया कब गया? तो इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 11th फेब को ये सेलिब्रेट किया गया और इसकी जो थीम है वो है वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप। थीम मैं लिख देता हूं क्या है, ये भी पेपर में पूछते हैं, थीम वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा, पूरा लिख लेना, अ न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी, अ न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये डेट याद रखना। तो आज हमने जो डेट्स पढ़ ली है वो पढ़ ली है 13th फेब, 11th फेब, 2nd फेब, ठीक है, 16th सितंबर, 5th जून और 11th जुलाई। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमने आज पढ़ी हैं और करंट अफेयर्स के हिसाब से बाकी भी हम ये सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, प्रेसिडेंट द्रौपदी
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनॉग्यूरेटेड विविधता का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विविधता का अमृत महोत्सव, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विविधता का अमृत महोत्सव, विविधता का जिसको मतलब नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, ठीक है ना, डाइवर्सिटी। वैसे भी इंडिया के लिए हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा महोत्सव, उत्सव फेस्टिवल हो गया, महाउत्सव, बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल जो हो गया वो हो गया हमारा महाउत्सव, ठीक है। अमृत इसलिए क्योंकि हमारा ये अमृत काल चल रहा है, अभी इसके पहले जो हमने खत्म किया था 31 अक्टूबर को, वो खत्म किया था आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना, मेरा देश मेरी माटी मेरा कलश प्रोग्राम से, ठीक है ना। अभी क्या सीन है कि हम नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, विविधता का अमृत महोत्सव, और जो टारगेटेड स्टेट्स हैं, मतलब जिनको फोकस किया गया है, जिन्होंने जिनको लाइमलाइट में लाया गया है, जिन पे इम्फेसाइज किया गया है, जिनके कल्चर को, जिनके सोशल रिलेशंस को, ठीक है ना, इकोनॉमिक रिलेशन को हमने टारगेट किया है, ठीक है, वो है हमारा कौन सा स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर हमने टारगेट किया है, वहाँ के डाइवर्स कल्चर को, वहाँ के डाइवर्स नेचर को, वहाँ के डाइवर्स सोशल फैब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, पर एक चीज़ अब इसमें याद रखना कि कौन सा स्टेट नॉर्थ सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, तो याद रखना कौन सा नहीं है, सिक्किम नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, सिक्किम वेस्ट बंगाल के थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। तो सेवन सिस्टर्स स्टेट में कौन नहीं है, सेवन सिस्टर्स स्टेट में हमारा सिक्किम नहीं है। अक्सर ये छोटा सा स्टेट है तो आपको लग सकता है कि छोटे वाले मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं, जो ज्योग्राफिकली जो डिफाइंड बाउंड्रीज हैं जिनकी, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, पर सिक्किम वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो है आपकी डोनर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डोनर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब सर ये डोनर क्या है, डोनर कैसी मिनिस्ट्री हो गई, ये तो नाम से समझ में नहीं आ रही, ये तो समझ में आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, विविधता का अमृत महोत्सव, कौन सा स्टेट के कल्चर और सोशल फैब्रिक को हमने वो किया है, लाइमलाइट में लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है ना। चलो, चार दिन का 4-day कल्चरल इवेंट है ये, हो कहां पे रहा है, राष्ट्रपति भवन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है, वो रिलेटेड है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है ये। पहला ये कि ये प्रेसिडेंट बनने से पहले शी वॉज दी गवर्नर ऑफ झारखंड, ये झारखंड की गवर्नर थी, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने से पहले शी वॉज दी गवर्नर ऑफ झारखंड, ऑल्सो शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन
टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक चीज को आप याद रखना, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, ठीक है, नॉट वुमेन, ठीक है ना, शी इज नॉट द फर्स्ट वुमेन, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, ठीक है ना। कोई ट्राइबल वुमेन पहली बार जो बना है वो कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू, पर ये पहली वुमेन नहीं है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। चलिए साथ में ईयर भी बताना जरूरी है कि कब से कब तक थी। नेक्स्ट, ट्राइबल है तो मतलब शी मस्ट बी कमिंग फ्रॉम अ ट्राइब, और वो ट्राइब जो है वो बहुत ही फेमस ट्राइब है, उसका नाम है सांथल। ये ट्राइब अक्सर आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी कि सांथल रिबिलियन, सांथल ने रिबिलियन किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। और ये जो ट्राइब है ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर आर्चरी, धनुष बाण बहुत अच्छा चलाना आता है, ठीक है ना, ट्रेडिशनली चलाते चले आ रहे हैं, इसीलिए इंडिया में भी कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट मतलब बनने से पहले अर्लियर शी वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड, फिर ऑल्सो शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है ना। फिर ट्राइब कौन सी, सांथल ट्राइब, और किस में फेमस है, आर्चरी।